पर अल्लाह कहता है इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन। हम जानते हैं, अल्लाह कहता है हम जानते हैं कि तू एक बड़ी सख्त आजमाइश से गुजर रहा है। क्योंकि हमारे एक उस्ताद कहते थे जिसे हकीकत पता चल जाए वो खामोश हो जाते। ये अजीबोगरीब जिंदगी है जो कभी कलामों का बाजार गर्म करती है और कभी खामोशियों के बाप गर्म करती है। क्या ये अजीब जिंदगी है जिसे खामोशियां नसीब ना हो। क्या ही अजीब जिंदगी है, मगर ये जिंदगी बड़ी दुखों से भरी है और अल्लाह उसे अपने कुरान में इंडोर्स करता है। अल्लाह इंडोर्सेस इन इस कुरान इंसान की जिंदगी के बारे में। भेजा भी अल्लाह नहीं है, उठाएगा भी इसमें से अल्लाह ही, फिर जिंदा करेगा इंसान को। लेकिन सफर हयात ये लम यकुन शही मस्कूरा से हत्ता यातिकल यकीन का जो सफर है, इस पर अल्लाह कहता है इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन। हम जानते हैं, अल्लाह कहता है हम जानते हैं कि तू एक बड़ी सख्त आजमाइश से गुजर रहा है। तो वो लोग जो इस अजीब ख्याल में हैं कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे कोई जान नहीं सकता, मेरा कोई इदराक नहीं कर सकता, मेरी तफहीम नहीं हो सकती, मेरे मन को जाना नहीं जा सकता, पीपल लिविंग विद वाई मी, वो लोग जो ये समझते हैं कि उसके कद तक पहुंचा नहीं जा सकता, उसके मन के दकीक अमीक रमीक मसाइल तक पहुंचा नहीं जा सकता, वो तन्हा है इस दुनिया में, वो मुनफरद है अपने दुखों तकलीफों गमों मसाइल कर्ब गम गुमूम हुमूम को लेके। तो अल्लाह कहता है हम जानते हैं उसको। इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन। हम जानते हैं क्या तेरी जिंदगी बड़ी तकलीफों से गुजरे। फमुलाकी, फिर तू हमसे मिले।